थाने की पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को रीजनल स्टेडियम के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सौरभ सिंह पुत्र राम सिंह निवासी राम जानकी नगर गौतम बुद्ध कॉलोनी ब्लॉक ए थाना शाहपुर गोरखपुर, दूसरा अभिलाष उर्फ ऋषु यादव पुत्र महात्म यादव निवासी बैरवा नानखार थाना उसका बाजार जिला सिद्धार्थनगर व हाल पता राम जानकी नगर स्कॉलर स्कूल के पास थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का तीन मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 11 दिसंबर को वादी मुकदमा से अज्ञात बाइक सवारों द्वारा मोबाइल को छीनकर भाग जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिसके संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम तीन लोग सौरभ अभिलाष व अंबर तिवारी अच्छे मित्र हैं। सौरभ को मोबाइल की जरूरत थी, जिसके लिए हम सब ने मिलकर यह प्लान बनाया कि किसी व्यक्ति का मोबाइल लूटा जाएगा। इसके लिए 11 दिसंबर को हम सब ने मिलकर अंबर की मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट टेप के माध्यम से बदल दिया, ताकि कोई भी हमारी गाड़ी की पहचान ना कर पाए। उसके बाद हम सब मोबाइल छीनने के लिए शहर में आए। अंबर गाड़ी चला रहा था, अभिलाष बीच में बैठा और सौरभ जो पीछे बैठा था उसने एक लड़के से उसका मोबाइल पार्क रेजिडेंसी होटल के आगे छीना था। वह मोबाइल रेडमी का है। दूसरा मोबाइल हमने विष्णु मंदिर असुरन से थोड़ा आगे से एक साइकिल चला रहे व्यक्ति से छीना था, जो कि मोटरोला कंपनी का है। उसके बाद खरैया पोखरा के पास एप्पल बेकरी की गली में एक आदमी से उसका मोबाइल छीना जो पैदल ही जा रहा था। उसका फ़ोन ओप्पो कंपनी का है। उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। बहुत दिन हो गए थे, आज फिर हम तीनों साथ ही मोबाइल छीनने के लिए ही निकले थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल संजीत यादव, विकास यादव, संदीप कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने दो अछिनेती करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि 11 तारीख की शाम को करीबन 9:30 बजे के आसपास गोलघर पार्क रोड पे एक व्यक्ति के मोबाइल छीना गया। उसके बाद में उस गाड़ी पर तीन लोग सवार थे, इतनी सूचना थी। उसके बाद में त्रिनेत्र के भी कैमरे खंगाले गए और ITMS के भी कैमरे खंगाले गए। उसे एक नंबर जरूर मिला पुलिस को, लेकिन वो नंबर सही नंबर नहीं था। उसके बाद में उसमें मैनुअल वर्क करते हुए चौकी प्रभारी जटेपुर द्वारा स्मार्ट वर्क करते हुए उसमें से 15-16 ऐसी मोटरसाइकिलों को चिन्हित किया गया, जो कि इस 220 पल्सर से मिलती जुलती थी, और उसके आधार पर जीरो इन करते हुए फिर अभियुक्तों की मोटरसाइकिल की पहचान की गई। और उस पहचान के आधार पर दो अभियुक्त सौरभ सिंह और अभिलाष उर्फ ऋषु यादव, इन दो को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से कुल तीन मोबाइल छिनेती के बरामद हुए हैं। दो अन्य मोबाइल के IMEI रन करवा के उनका ओरिजिनल फ़ोन नंबर पता किया जाएगा और उनके भी जो वादी हैं उनकी पहचान कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनका पूर्व का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। उस दिन उन्होंने जो भी अपना इमीडिएट प्लान बनाया है उसी के आधार पर उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इस बात की भी गहराई से पता लगाया जा रहा है कि बाद की पूछताछ में पता चलेगा कि वास्तव में ये इस तरह की घटनाएं कारित करने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। छिनेती करने वाले लोग हैं जिनको मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है।